रात के 10 बज चुके हैं और हम लोग जा रहे हैं गाइस जंगल के रास्ते से, और बहुत ज़्यादा स्लो स्लो मैं गाड़ी चला रहा हूँ क्योंकि मुझे डर है कि सामने से कोई जानवर आ जाएगा और एक्सीडेंट होने पे हम लोग पहाड़ी से नीचे गिर सकते हैं, और इसीलिए धीरे धीरे चलते हैं सिंचन। अरे फिर भी जल्दी करो थोड़ा यार, जल्दी घर पहुँच जाए। अरे यार सिंचन बहुत ज़ोर से लग गई है, तू थोड़ी देर वहाँ पे वेट करो, मैं करके आया। अरे कहाँ जा रहे हो यार, जंगल में शेर आ जाएगा। चलो तुम लोग, मेरे को बहुत ज़्यादा इमरजेंसी है गाइस, यार बड़ी जोर से लग गई है। अभी अभी मैं अपने पुराने गांव से आ रहा हूँ, यहीं पे कर लेता हूँ। जब तक मैं काम कर रहा हूँ गाइस, तब तक आप लोग जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर चैनल पे न्यू हो तो, और वीडियो को लाइक करके फटाफट से कमेंट में प्यारा सा कमेंट जरूर से करना। अरे बाप रे, अबे काट लिया बे, अबे काट लिए भेड़िए ने, काट लिए मेरे बम पे काट लिया। अबे रुक जा बे इसकी तो। अरे यार गाइस ये तो मुझे मौका ही नहीं दे रहा है उठने का, यार क्या करूं, काट लिया बहुत जोर से। काट लिया यार फ्रैंकलिन भैया को, काट लिया एक भेड़िए ने। अरे यार मैंने इसे बोला था कि जंगल के रास्ते से जल्दी चलो। बकलियों को क्या हो गया भाई, इतनी जोर से क्यों चिल्ला रहा था भाई? यार चुप, उनको ना एक भेड़िए ने काट लिया मेरे आंखों के सामने। अब बकलियों को हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा फिर तो। अरे हाँ यार चुप, जल्दी करना पड़ेगा, इनको जल्दी बिठाओ गाड़ी में, इनकी हालत तो बहुत ही खराब लगती है। बकलियों को जल्दी से पास वाले हॉस्पिटल लेके चलना पड़ेगा, इसकी जान खतरे में। यस गाइस यार फ्रैंकलिन भैया लगता है इस बार बच नहीं पाएंगे। अगर आप लोग सब्सक्राइब का बटन नहीं दबाए हो तो दबा दो यार जल्दी से, ताकि फ्रैंकलिन भैया बच जाए। ओ तेरी कितनी ज्यादा बारिश हो रही है आज रात तो। अबे कलवे को समझना चाहिए भाई, काट लिया ना भेड़िए ने बम पे इसके, अब तो बेचारे को बैठने उठने में बहुत दिक्कत होने वाली है। अमेजिंग बेटा, तुम तो बोल रहे थे कि मेरे भैया के बम पे बहुत बड़ा घाव है, लेकिन इनके पूरे शरीर पे तो कोई भी घाव नजर नहीं आ रहा, सिवाय थोड़े बहुत खून लगे हुए हैं। ऐसे कैसे हो सकता है, इनको भेड़िए ने काटा है सर, आप सही से चेक करो। मैंने पूरी बॉडी की चपका कर ली है, इनके बॉडी पे एक भी निशान नहीं है, सिर्फ खून ही खून लगा है। लगता है खून का छींटा इनके बॉडी पे आया है और वही देख के ये बेहोश हो गए हैं। फिलहाल इन्हें घर ले जाओ, थोड़ी देर में होश आ जाने वाला है। अरे ऐसे कैसे हो सकता है, मेरी आंखों के सामने काटा था। बेटा ले जाओ, कुछ नहीं हुआ है तुम्हारे भाई को। यार यार तुमको कुछ हुआ क्यों नहीं यार फेंक भैया? भाई यार पता नहीं, मेरी तो हवा टाइट हो गई थी जब उस हानिए के बच्चे ने मेरे बम पे काट लिया। लेकिन यार फ्रैंक भैया तुमको कुछ बम पे महसूस नहीं हो रहा है क्या? अब सिंचन कुछ भी नहीं हो रहा यार, ऐसा लग रहा है मुझे कुछ हुआ ही नहीं था पहले तो। लेकिन फैब यार तुम्हारे बम का तो बुरा हाल कर दिया था उस भेड़िए ने, फिर कैसे तुम ठीक हो? पता नहीं यार सिंचन, मेरे को भी कोई नॉलेज नहीं है इसके बारे में, बट हाँ मेरे को ऐसा लग रहा है मेरी बॉडी पे कुछ हुआ ही नहीं था और मैं पहले जैसा रिलैक्स फील कर रहा हूँ अभी भी। चलो गाइस घर पे तो पहुँच गए, काम कर सिंचन, तुम जाके सो जाओ। सो अब तुम अपने घर में जाकर सो जाओ और मैं भी चला सोने। ठीक है मैं भी सोने चला। बस ये खून के धब्बे मेरे बॉडी पे क्या कर रहे हैं, इनको साफ कर देता हूँ, बाकी का कोई चोट तो मुझे अपनी बॉडी पे नज़र आ नहीं रहा है। फिलहाल मेरे बम पे थोड़ा बहुत ब्लड लगा हुआ है लेकिन कुछ महसूस क्यों नहीं हो रहा। ओ भाई ये क्या सीन है यार, इतनी तगड़ी बॉडी तो मेरी पहले थी नहीं, बट या फिर मैंने कभी केयर नहीं किया अपनी बॉडी के ऊपर। आज मैं देख रहा हूँ अपनी बॉडी इतनी तगड़ी है, पता नहीं गाइस ये बॉडी इतनी तगड़ी कैसे बन गई और कब बनी पता नहीं, और तो और मेरे बॉडी पे एक भी निशान भी नज़र नहीं आ रहा उस हानिए का। चलो जो भी होगा सही होगा, लगता है बस पंजा वंजा मार दिया था। सोने चले गाइस, मिलते हैं तुम लोग सुबह।
कल रात जो हुआ गाइस वो तो तुम लोगों ने देखा ही। कैसे मैं खुद को रोक नहीं पाया था एक शैतान बनने में, और मैं खुद एक जानवर बन गया, और पता नहीं कितने कितने लोगों के खून पी गया मैं। और गाइस मेरे को बिल्कुल भी बिलीव नहीं हो रहा है कि कल रात मैं एक जानवर बन गया था। ये कैसे हो सकता है, ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ यार? ये तभी सो रहा है जब उस हानिए ने मुझे काटा था। अरे यार फेंक भैया, मुझे लगता है कि उस जब भेड़िए ने तुम्हें काटा था उसके बाद से तुम्हारे ऊपर रिएक्शन हो गया है उसका। इसका इलाज तो एक ही जगह मिलेगा। कहाँ पे यार सिंचन, मुझे कैसे भी करके ठीक होना है वरना मैं फिर से कहीं जानवर बन गया फिर। ऐसा नहीं होगा फेंक भैया, कपड़े पहन के आओ। ओके गाइस, सिंचन एक जगह बता रहा है जहाँ पे एक डॉक्टर रहते हैं, पता नहीं कैसे से डॉक्टर हैं, बट वो जानवरों के डीएनए टेस्ट करते हैं और उससे जो बीमारी होती है उसको ठीक करते हैं। फिलहाल हम लोग वहीं पे जा रहे हैं। अरे यार फेबे, पहले हम लोग जब स्कूल में थे ना तो टूर पे हम लोग उनके पास गए थे ताकि उन लोगों के पास जानवरों के सैंपल्स देख पाए। ऐसी जगह पे रहते हैं वो डॉक्टर? हाँ, यहाँ पे उनका घर हुआ करता था। अरे यहाँ का घर कहाँ गया? ओह माय गॉड, ये डॉक्टर है क्या? अरे हाँ यही है वो डॉक्टर। ये तो टाइगर्स के साथ भी कुछ तो बातचीत कर रहे हैं, पता नहीं, हम लोग पूछते हैं इनसे। ये काफ़ी पुराने डॉक्टर लगते हैं मुझे, और काफ़ी साल से लगता है यहीं पे रहते हैं। ओह सॉरी, मैंने आपको ध्यान नहीं दिया, आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? वैसे आपका यहाँ पे घर हुआ करता था पहले, वो क्या हो गया? वैसे मेरा घर सुनामी में दह गया, तब से मैं बेचारा ऐसे ही रहता हूँ। आप यहाँ पे क्यों आए हैं? आप एक खुश नसीब हैं जो आपको उस भेड़िए ने काटा, वो उसकी शक्तियाँ आपके अंदर आ चुकी है। अरे यार मुझे वो शक्तियाँ नहीं चाहिए, मुझे जानवर नहीं बनना है, मुझे उससे ठीक कैसे होना ये बता दो आप। समझ गए ना क्या क्या मैंने तुम्हें बताया, उस पे अच्छे से काम करना फिर तुम ठीक हो जाओगे। गाइस इन्होंने मुझे एक चीज़ बताई है जो काफ़ी ज़्यादा रिस्की है, वैसे मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, बट आप लोगों ने अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है, और चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर लो, और साथ ही साथ लाइक का बटन भी दबा दो। मैं आप लोगों को बता रहा हूँ करना क्या है। इन्होंने बताया गाइस, जिस भेड़िए ने मुझे काटा है और जिस जगह पे काटा है मुझे वापस से वहीं पे कटवाना होगा उस भेड़िए से, फिर मैं वापस ठीक हो पाऊँगा, वरना कोई चांस नहीं है। कल रात मैं यहीं पे था और आज मैं वापस यहाँ पे आया हूँ। अरे यार फेबे, कब तक लटके रहोगे? वो भेड़िया वापस आ क्यों नहीं रहा? पता नहीं यार सिंचन, वो भेड़िया आ क्यों नहीं रहा है, कब आके काटेगा मुझे? एक तो वैसे ही मेरी फट रही है कटवाने से, एक तो पिछवाड़े पे कटवाना है, पता नहीं कहाँ रह गया ये भेड़िया का बच्चा। अरे आएगा आएगा, बस आप हिम्मत करो। ओ आ गया आ गया आ गया। अरे फेबे आ गया, हाँ हाँ आ गया। ओके ओके, जल्दी से काट ले भाई, पर तो ऐसे डर लग रहा है। अबे काटना प्लीज, काट ले पिछवाड़े पे ही काटियो भाई, इधर उधर नहीं। अबे काटना कहाँ जा रहा है भेड़िए, इधर काट ले भाई। ओ काट ले काट ले। अरे ये क्या, ये तो इसे मार डालेगा भेड़िया, इसे मारना पड़ेगा, ये ले बे। अरे यार ये क्या हो गया, ये भेड़िए को किसने मार दिया? अबे 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 अबे, तूने क्या कर दिया बे? अरे यार तुम्हारी जान बचाई मैंने। मेरी जान नहीं बचाई, अब मैं क्या करूँ? नहीं नहीं फेंक भैया, अपने आप पे काबू रखो। अरे फेंक भैया तो जानवर वापस से बन गए। अरे ये क्या कर रहा है, अरे ये तो एक इंसान का खा रहा है। अरे जी अरे यार गाइस, कल रात वापस से वैसा ही हुआ, बट एक बहुत ही बड़ी गड़बड़ हो गई। जो जानवर मुझे काटने वाला था और मैं वापस इंसान बन जाता ठीक तरीके से, वो जानवर तो अभी मर चुका है। उस भेड़िए को एक बंदे ने गोली मार दिया जैसे मुझे काटने वाला था वैसे ही, बट अभी गाइस बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। अगर वो भेड़िया मुझे वापस से नहीं काटता तो मैं वापस इंसान नहीं बनता, अब बहुत बुरा होगा। पता नहीं मैं इंसान बन भी पाऊँगा या फिर नहीं, ये सब तो बाद में पता चलेगा। उस पार्ट्स को देखने के लिए आप लोग चैनल पे न्यू तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, और पुराने और तो कमेंट में बताना आप लोग कि आप लोग को मेरी वीडियो कैसी लगती है। और हाँ, ये वाली वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर से करना। टेक केयर एंड बाय बाय।